हाँ पवन जी का दो बार हमारे यहाँ आने के लिए नहीं बोले थे, बोले हैं आने के लिए बोले हैं। पवन जी का ये कहना कि हम आपके बेटे हैं और बेटा हूँ और बेटा बन के रहूंगा और आपके दुख संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ, जो भी हमसे मदद होगी हम आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। वो हमारी बहन थी, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। जी हाँ, ये हैं आकांक्षा दुबे के चाचा जी और ये साफ तौर पे वीडियो में बोल रहे हैं कि पवन सिंह जो हैं हमसे बात किए हैं। ये तो मैंने पहले भी बोला था कि पवन सिंह बात किए हैं और बहुत सब इनके घर वाले सभी लोग जो हैं वो पवन सिंह के काम से संतुष्ट है, पवन सिंह से खुश हैं, क्योंकि पवन सिंह जो हैं आकांक्षा दुबे के कदम कदम पे जो हैं उनके घर वाले को उनके परिवार वालों का जो है वो साथ दे रहे हैं, आर्थिक से लेकर शारीरिक मदद हर चीज जो है वो कर रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के और कोई स्टार पूछ तक नहीं रहा है, लेकिन पवन सिंह जो हैं हमेशा से उनके टच में हैं और उनके चाचा जी ने इंटरव्यू में ये कहा भी कि पवन सिंह से हम लोग संतुष्ट है। उससे पहले भी मैंने दिखाया था कि वो लोग भी बोल रहे थे, घर वाले और भी लोग थे, लेकिन पवन सिंह जो हैं उनके घर पे जो है आकांक्षा दुबे के जाने वाले हैं। जी हाँ, ये भी खबर जो है इनके चाचा जी ने ही बोला कि पवन सिंह ने बोला है कि हम जो हैं आएंगे बहुत जल्द आपके घर, हालांकि अभी जो है वहाँ पे बहुत ही दुख का माहौल है तो अभी नहीं जा पा रहे हैं। बाकी इंटरनली जो भी काम है, जो भी मदद है, पवन सिंह सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह को ना पहुंचने से बहुत सारे फैंस जो थे वो नाराज थे। तो भाई पवन सिंह जाने वाले हैं और ये चीज़ खुद आकांक्षा दुबे के चाचा जी बोल रहे हैं। जी हाँ, ये खुद बोल रहे हैं जो आप लोगों ने देखा ये। तो ये पवन सिंह की नाराजगी भी आपको जो पवन सिंह को लेकर था वो भी अब खत्म हो जाएगा। बाकी वीडियो को दबा के शेयर करिए सभी तक, बता दीजिए कि भाई पावर स्टार यूं ही नहीं कहा जाता है, दिल के राजा हैं और सच्चे मन वाले हैं। लव यू।